नमस्कार दोस्तों, मैं बोल्ड स्काई में आपका स्वागत करती हूं। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे उन योगासनों के बारे में जिन्हें करने से छोटी बड़ी सभी बीमारियां दूर हो जाएंगी। सबसे पहला योगासन है अनुलोम विलोम। इसे करने के लिए अपनी नाक के नथुने को अंगूठे से दबाएं, दूसरे नथुने से सांस लें। अब मध्यमा और अनामिका उंगली से दूसरी तरफ दबाएं और अंगूठा हटाकर सांस को बाहर छोड़ें। इस क्रिया को दोनों तरफ से करें। रोज 5 से 10 मिनट तक इसे करने से आपको दमे की परेशानी में आराम मिलेगा। ये आसन उन लोगों के लिए उत्तम होता है जिन्हें सांस संबंधी कोई समस्या है। अनुलोम विलोम आसन करने से फेफड़ों की ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती है, जिससे शरीर की कोशिकाओं को अधिक ऑक्सीजन मिलने लगता है। दमा के अलावा ये आसन एलर्जी, साइनोसाइटिस, नजला जुखाम जैसे रोगों के लिए बहुत फायदेमंद है। दूसरा योगासन है मेडिटेशन, जिसे हम डिप्रेशन के लिए करते हैं। इसे करने के लिए सबसे पहले आंखें बंद करें, हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें, सामान्य सांस लेते रहें, मन को एकाग्र करें। 15 से 20 मिनट तक आपको मेडिटेशन करना होगा। मेडिटेशन यानी कि ध्यान लगाना, ये पद्धति सिर्फ हमारे देश में ही नहीं विदेशों में भी खूब तेजी से फैल रही है। दिन भर की भागदौड़, काम के प्रेशर आदि से आज 5 में 2 व्यक्ति मानसिक तनाव यानी कि डिप्रेशन का शिकार हैं। इससे मुक्ति पाने का सबसे बेहतर विकल्प है ध्यान लगाना। मेडिटेशन से आत्मिक शांति मिलती है, वहीं मन की एकाग्रता के साथ कार्य शक्ति भी बढ़ती है। तीसरा योगासन है शवासन। इसे करने के लिए पीठ के बल लेट जाएं, हाथ पैरों को ढीला छोड़ दें, अब आंखों को बंद करें। ये आसन रोज 10 से 15 मिनट तक करें, पर ध्यान रहे सोए नहीं, शरीर को बस आराम दें। शव और आसन दो शब्दों के योग से बना शवासन एकमात्र ऐसा आसन है जिसे हर आयु वर्ग के लोग कर सकते हैं, लेकिन हाई ब्लड प्रेशर के रोगियों के लिए यह आसन वरदान से कम नहीं है। इसी के साथ ये आसन तनाव व अनिद्रा जैसी समस्याएं भी दूर करता है। चौथा आसन है हलासन। इसे करने से शरीर लचीला बनता है। इस आसन को करने के लिए सबसे पहले पीठ के बल लेट जाए, अब धीरे धीरे अपने पैरों को ऊपर उठाएं और पीछे की ओर ले जाएं। 1 मिनट तक इस आसन में रहें। शरीर का लचीलापन रीढ़ की हड्डी पर निर्भर होता है। रीढ़ की हड्डी लचीली होगी तो शरीर अपने आप फ्लेक्सिबल होगा। हलासन करने से रीढ़ की हड्डी सदा जवान बनी रहती है। इसके अलावा इस आसन के नियमित अभ्यास से कब्ज, थायराइड और अल्प विकास, समय से पहले बुढ़ापा, दमा, कफ, रक्त विकार आदि रोग दूर होते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि रीढ़ संबंधी व गले में कोई गंभीर रोग होने की स्थिति में यह आसन न करें। अब बात करते हैं पांचवे योगासन की। इसे वज्रासन कहा जाता है। इस आसन को करने के लिए अपने पैरों को पीछे की ओर मोड़कर बैठें, अपने हाथों को घुटने पर रखें, कमर को सीधा रखें, 10 मिनट तक ये आसन करें। भरपेट खाना खाने के तुरंत बाद सोने या टीवी देखने से पाचन संबंधी परेशानी होना आम बात है। अगर आप खाना खाने के तुरंत बाद वज्रासन करें तो आपको डाइजेशन की परेशानी नहीं होगी। ये आसन साइटिका रोगियों के लिए उत्तम है। कमर से संबंधित किसी एक भी नस में सूजन आने से पूरे पैर में असहनीय दर्द होने लगता है। इसी समस्या को साइटिका कहते हैं। इसके अलावा मासिक धर्म अनियमितता रीढ़ की हड्डी मजबूत करता है, साथ ही गैस तथा कब्ज व अपच संबंधी परेशानियों के लिए भी यह आसन फायदेमंद है। ध्यान रहे योग आपको तभी फायदा देंगे जब आप उन्हें उचित समय व सही तरीके से करेंगे। इसे योग चिकित्सक की सही परामर्श से ही करें तो बेहतर होगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम जल्द लौटेंगे ऐसे ही योगासनों के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए बोल्ड स्काई से।